कर्क राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, खतरे की घंटी बज चुकी है, अब हो जाएं सावधान। जी हां दोस्तों, आने वाली अगले 48 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन में बड़ी और भयंकर घटना होने वाली है। दोस्तों, अपने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था ऐसा घटना अगले 2 दिनों के भीतर होने वाला है। सुनकर आपके पैर तर तर करने वाले हैं दोस्तों, परंतु आज का यह वीडियो आप सुबह के लिए बिल्कुल भी ब्रह्मा का लिखा हुआ कलम है, रामबाण साबित होगा। इसे आप भूल कर भी नजरअंदाज मत कीजिएगा, इसे आप अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। हम फूल करें, ठीक है, साथ रहते हैं कि खुशखबरी सुनकर आप नाचने लग जाओगे, परंतु वीडियो शुरू करने से पहले सर्वप्रथम जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 5 बार लिख दीजिएगा। दोस्तों, कोई भी चीज की शुरुआत अगर माता रानी की आशीर्वाद से करें तो वह काम सफल जरूर होता है। इसलिए आज की ज्योतिष कार्यक्रम की शुरुआत की हम ईश्वर के ही नाम से लेकर करेंगे, तो जरूर लाइक कमेंट कीजिएगा। आपको बता दें कि शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसे बड़े और भयंकर कांड आपके साथ होने वाला है। इस कांड के बारे में सुनकर आपको रोना आ जाएगा। जी हां प्यारे दोस्तों, यह कांड जो है, आखिरकार ऐसा क्या है इसमें जो तुम्हें पूरी तरह से हिलाकर रख देगा? आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा, लेकिन प्यारे दोस्तों, हर एक सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा। बस ज्योतिष कार्यक्रम को अंत तक देख। लेकिन ज्योतिष कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को हम बता दें कि प्यारे दोस्तों, आपके जीवन काल में आने वाले 48 घंटे के अंदर कुछ दुश्मन आपको पूरी तरह से तबाह करने का प्रयास करने वाला है। दुश्मन का हमला आपके ऊपर होने वाला है। दुश्मन पूरी तरह से तैयारी कर चुका है, उसे समझ लो कि दुश्मन जाल बिछ चुका है, बस अब उनमें आप हंसते ही वाली हो। सावधान रहो, देर हो जाए उनसे पहले ही सावधान हो जाओ। अभी के अभी इस ज्योतिष कार्यक्रम को अंत तक देखना, पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं कि यह कैसी घटना होगा। प्यारे दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि तगड़ा झटका लग जाएगा। यह ज्योतिष कार्यक्रम को देखकर सबकी आंखें खुल जाएंगी। आपके छुपे दुश्मन एवं गद्दारों का आज नाम पता चलने वाला है। प्यारे दोस्तों, नाम जानकर बड़ी हैरानी होगी कि कहीं लोग आपके साथ मिलकर और आपको धोखा दे रहे हैं। आज तक इस बात की आपको भनक भी नहीं लगी है। हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि प्यारे दोस्तों, अब दुश्मन कल का सूरज नहीं देख पाएगा। उनके ऊपर का टिकट अब कटने वाला है। यमराज जी खुद उनका प्राण लेने आ रहे हैं, क्योंकि प्यारे दोस्तों, आपकी कुंडली में भगवान श्री कृष्ण जी का नजर पड़ चुका है। अब एक एक दुश्मन आपके पैरों में गिरकर रोने वाले हैं, जितना ही उसने आपको दुख दिया था अब उनसे ज्यादा उनको दुख मिलेगा। वह कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, आने वाले अगले 2 दिनों में दुश्मन को सदमा लग जाएगा, क्योंकि भगवान अब उनको बहुत बड़ी एवं भयंकर सजा देने वाली है। अब घर की खुशियां उनकी अचानक से दुख में बदल जाएंगी। लेकिन प्यारे दोस्तों, हो जाइए सावधान, क्योंकि एक बड़ी मुसीबत की पहाड़ खड़ी हो चुकी है। अब जिंदगी खतरे में पड़ चुकी है। अगर यह ज्योतिष कार्यक्रम को कोई भी मजाक समझने की गलती करेगा, उनके साथ जो भी होगा वह खुद जिम्मेदार होंगे। हम आप सभी को बता दें कि प्यारे दोस्तों, कुछ लोग आपके पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं। आपकी तरक्की, कामयाबी और खुशियों को देखकर आपसे बहुत ही जल रहे हैं और आपके भोलेपन का मजाक उड़ा रहे हैं, जिनको दुख में आप मदद करते हो। प्यारे दोस्तों, वही लोग अब आपके साथ विश्वासघात करने वाला है। आपकी जिंदगी को खत्म करने पर लग चुका है और इस बात पर आप वंचित हैं कि आखिर हमारा कौन दुश्मन हो सकता है, हमने किसका क्या बिगाड़ा है। तो प्यारे दोस्तों, अब जानकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आपकी भी जिंदगी बड़ी मुसीबत में पड़ चुकी है। समय आपके पास बहुत कम है और भयंकर घटना की सुनामी आने वाली है, तो हो जाइए सावधान, वरना प्यारे दोस्तों, एक गलती के कारण जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद भी हो सकती है। हम यह बात को जानते हैं कि प्यारे दोस्तों, आपके घर में एक के बाद एक परेशानी आ रही है। आपके परिवार पर किसी की मनहूस नजर लग गई है, जिनसे आपके घर में धन दौलत की वृद्धि नहीं हो रही है और आप मेहनत तो रात दिन करते हो, लेकिन सफलता आपके हाथ नहीं लगती है।
और आप अपने जीवन में बहुत दिनों से आप निराश हो चुके हो। भगवान से यही कहते हो कि हे भगवान, आखिर हमारी भी दुख कब खत्म होगी, हमारा किस्मत कब चमकेगी। तो प्यारे दोस्तों, अब आपको रोने धोने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने आप सभी को बहुत देख लिया दुखों में। लेकिन अब और नहीं, अब एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए भगवान के घर से निकलकर आ चुकी है। यह खबर को सुनकर आपका भी पूरा घर परिवार खुशी से नाचने लगेगा। यह घटना आपकी बिगड़ी हुई जिंदगी को सुधार के रख देगी, क्योंकि हम भी जानते हैं कि प्यारे दोस्तों, आपने किसी को आज तक परेशानी नहीं दिया है, सबकी मदद किया है, लेकिन भलाई करने का नतीजा क्या होता है प्यारे दोस्तों? वही लोग आपके बारे में बुरा सोचता है जिसके बारे में आप अच्छा करते हो। तो अब आपको बड़ी सावधानी कदम बढ़ाने की जरूरत होगी। और प्यारे दोस्तों, अब भलाई करना छोड़ दो, वरना बड़ी मुसीबत में फंस भी सकते हो। जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि आपके जीवन में अब खुशियों की घंटी बजने वाली है, आपका सोया हुआ नसीब जाग उठेगा, किस्मत में बड़ी लॉटरी लगने वाली है। जिस समय का आपको इंतजार था, जिस मौके को आप प्राप्त करना चाहते थे, तो वह समय आपके लिए आ गया। और भगवान अब आपकी जिंदगी को बदलने के लिए बहुत सारी मौके आप सभी को देने वाली है। तो इस मौके को हाथ से जाने मत देना, वरना जिंदगी कभी भी नहीं बदल पाएगी। वह लोग बड़े ही भाग्यशाली होते हैं जिनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण जी का नजर पड़ जाते हैं। और प्यारे दोस्तों, अब अगले दो दिनों में भगवान खुद चलकर आपके घर आने वाले हैं। अब जीवन की एक नई कहानी शुरुआत होगी, स्वयं भगवान का दर्शन आप सभी को होने वाला है। आपके कर्म को पूरे 33 कोटि देवी देवताओं ने देख लिया है, अब आपके जीवन में एक के बाद एक खुशखबरी दस्तक देगी। दुश्मन तो आपकी तरक्की और कामयाबी को देखकर जल जल कर मर जाएंगे, लेकिन आपकी मेहनत अब रंग दिखाने वाली है। कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होंगे कि भगवान हमें ऐसी खुशखबरी दे सकते थे। धन्य हो प्रभु, आपकी तो लीला ही अपरंपार है, हमारी खाली झोली में आपने खुशियां भर दी। इससे बड़ा और शुभ संकेत क्या हो सकता है प्यारे दोस्तों? अगर धन दौलत को लेकर बड़ी परेशानी आप सभी को चल रही है, या फिर नकारात्मक शक्तियां आपके घर में परेशान ला रही हैं, तो हम ज्योतिष कार्यक्रम के अंत में एक उपाय बताएंगे जिन्हें करके आप अपने सारे परेशानी को अंत कर सकते हैं। लेकिन उनसे पहले, जो भी भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो वह ज्योतिष कार्यक्रम को एक प्यारा सा लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हो भगवान श्री कृष्ण जरूर लिखेगा। प्यारे दोस्तों, प्रभु का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार के ऊपर बने रहेंगे और आपके घर में कभी भी दुख परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए ज्योतिष कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। एक सुंदर और अनमोल विचार के साथ, प्यारे दोस्तों, किसी ने क्या खूब पूछा है कि जब भगवान हर जगह होते हैं तो मंदिर क्यों जाते हो? तो किसी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया है कि सब कुछ किताबों में होता है तो स्कूल क्यों जाते हो? कहने का सही अर्थ है कि प्यारे दोस्तों, जो भी लोग भगवान पर से भरोसा उठा लेता है, भगवान को इग्नोर करने लगता है, तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और जो सच्चे मन से भगवान पर भरोसा रखता है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं होता है, तो उसकी परछाई बनकर प्रभु ही खड़ा होते हैं, भगवान ही उनकी राह में खुशियों की दीप जलाते हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, आप कभी भी भगवान पर से भरोसा मत उठाएगा, क्योंकि आपकी जिंदगी एक ना एक दिन जरूर बस, और आपके लिए भी समय जरूर आएगा। वह कहते हैं ना कि समय ही सबकी जिंदगी को बदलता है, और आज किसी को खुश का आनंद लेना पड़ता है तो कल किसी को दुखों का सामना करना पड़ता है। और अब आपके लिए गरीबी की जिंदगी अलविदा कहने वाली है, पैसों से आपका घर और तिजोरी भर जाएगा, लेकिन दो लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा। जानकर बड़ी हैरानी होगी कि प्यारे दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से ये दो लोग आपकी सफलताओं की राह में कांटा बन जाते हैं, और आपके मेहनत कामयाबी को पाना चाहता है, लेकिन वरना कामयाबी में बदल जाता है। जिंदगी में बहुत सारे लोग आपको सताते हैं, रुलाते हैं, और जिनके ऊपर आप भरोसा करते हो, वही लोग समय आने पर आपके भरोसे को तोड़ देते, दिल से आपका दिल टूट जाता है और आपको भी रोना आ जाता है। तो प्यारे दोस्तों, अब आपको हो जाना है सावधान, और आने वाले अगले दो दिनों में जिंदगी की एक नई कहानी शुरुआत करने वाले हो। भगवान श्री कृष्ण जी आपकी कुंडली में अब बड़ी परिवर्तन दिखाने वाली है। लोगों ने आपकी बहुत बुराई कर लिया और आपका बहुत मजाक उड़ा लिया,
लेकिन प्यारे दोस्तों, अब और नहीं, अब भाग्य के फूल अचानक से खिल उठेंगे। आपकी मेहनत अब इतनी बड़ी तरक्की पाएगी जिन्हें देखने के बाद दुश्मन भी कहने लगेंगे कि अरे वाह, क्या किस्मत है आपका, काश हमारी भी ऐसी नसीब होती। प्यारे दोस्तों, यह बात को तो आप भी जानते हैं कि जो भी लोग अपने जीवन में मेहनत करता है, अपने सारे सपने को सच करने का प्रयास करता है, तो उन्हें एक ना एक दिन मेहनत का फल जरूर ही मिलता है और उनकी मेहनत बहुत बड़ी कामयाबी को प्राप्त कर लेती है। तो अब आपकी सारी दुख खत्म हो जाएगी और आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका समय अभी खराब चल रहा है तो किसी ना किसी दिन आपका भी समय अच्छा जरूर आएगा और आप भी अपनी जिंदगी को बदल के रख लेंगे। आने वाले अगले दो दिनों में प्यारे दोस्तों, आपके सारे कामों में आप सभी को सफलता मिलेगी। अगर अभी आपका किस्मत खराब चल रहा है तो एक ना एक दिन किस्मत आपकी भी बड़ी चमत्कार दिखाएंगे, क्योंकि प्यारे दोस्तों, आपके सारे अच्छे कर्मों को भव मान श्री कृष्ण जी ने देख लिया है। अब आपकी आंखों के सामने एक एक सपने सच होते हुए नजर आएंगे, जिन्हें देखने के बाद आपका भी दिल गदगद हो जाएगा। कहने लगोगे कि भगवान जब भी देते हैं तो छप्पर फाड़ कर ही देते हैं। छप्पर फाड़ धन दौलत की आपके घर में अब बारिश होने वाली है। जो खुशियां आपके घर से चली गई थी वह लौटकर आ जाएगी। आने वाले अगले दो दिनों में आपकी कुंडली में धन योग का निर्माण हो चुका है और आपकी पैसों की अब सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। प्यारे दोस्तों, वह कहते हैं ना कि जो लोग जिनके बारे में अच्छा सोचता है उसकी जिंदगी में कभी दुख नहीं आती है, और जो लोग जिनके बारे में बुरा सोचता है तो उन्हें जीवन भर रोना पड़ता है। अगर आप नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे थे तो फिर भी नौकरी आप सभी को नहीं मिल रही थी। व्यापार में आप सभी को घाटा हो रहा था तो अगले दो दिनों में बहुत अच्छी जगह नौकरी मिल सकती है और व्यापार करने वाले लोगों को चार गुना लाभ की प्राप्ति होगी। जो भी लोग आपकी हंसी खुशी घर परिवार पर मनहूस नजर लगाना चाहेगा तो उसी की मनहूस आंख में आग लग जाएगी। एक एक दुश्मन अब ठिकाने लग जाएंगे, क्योंकि उनकी जिंदगी अब बड़ी खतरे में पड़ चुकी है। भगवान उनको अब बहुत बड़ी सजा देने वाली है और आपके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा अब हटने वाला है। प्रेमी जोड़ों के लिए अगर देखा जाए तो अगले दो दिनों का समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उनको बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। घर परिवार में बस आपके ही नाम की अब चर्चा होने वाली है। पूरे 51 की जी का मिठाई बांटना पड़ेगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों, खुशखबरी ही इतनी बड़ी आप सभी को मिलेगी। घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, सब चीज का सुख आपको मिलने वाला है। आखिर पिछले समय में आपने वह कौन से अच्छे कर्म किए थे जिनका फल अब आपको इतना अच्छा मिल रहा है? जी हां प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कुंडली में कुछ ग्रहों ने बहुत अशुभ परिणाम दिखाने शुरू कर दिया है। कुछ ग्रहण के बदलते चलने सीधा संकेत किया है कि बड़ी मुसीबत आपके ऊपर आ रहा है। और हम आप सभी को एक चीज बता दें, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। बस इस ज्योतिष कार्यक्रम को आपको देखना है, क्योंकि आप लोग इसलिए डरने का आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को देख रहे हैं। तो इस ज्योतिष कार्यक्रम में आप लोगों को हम बता दें कि यह समय कुछ गलती करने से आपको पूरी तरह से बचाना है, जो आपको इस ज्योतिष कार्यक्रम में आगे हम बताने वाले हैं। लेकिन ज्योतिष कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले एक बार, बस एक बार आप लोग हमारे बात को समझने का प्रयास कीजिए कि हम आप सभी के लिए बहुत मेहनत करते हैं। कड़ी से कड़ी छानबीन करने के बाद आपके जीवन काल में क्या होने वाला है उनकी जानकारी इकट्ठा करती है और फिर जाकर ऐसे महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम का दिन रात मेहनत करने के बाद निर्माण होता है। इसके बदले हम आपसे आरएस बॉन्ड 1 भी नहीं चाहती। बस आप ज्योतिष कार्यक्रम को एक लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दी। यो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि ऊपर से फायदा होगा, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण समय में महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलता है। और साथ ही कमेंट बॉक्स में बस आप 5 बार जय शनिदेव का जयकारा लगा देना, शनिदेव तुम्हारे ऊपर अपनी असीम कृपा बनाएंगे। जी हां प्यारे दोस्तों, ये समय आप ये समझ लो कि तुम्हारे कुंडली के अनुसार कुछ गलती आपको नहीं करना होगा, कुछ गलती करने से बचना होगा। खासकर ये तीन चीज तुम किसी को मत देना।
ये तीन चीज अगर किसी को दोगे तो निश्चित तौर पर तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे, क्योंकि इन तीन चीजों के वजह से तीन बड़े दुर्घटनाएं होने वाले हैं। इन तीन चीजों की वजह से बड़े दुर्घटना होंगे, बड़े कांड होंगे और उसके चक्कर में आपको जेल जाना पड़ेगा। आपके ऊपर फिर भी हो सकता है। जी हां प्यारे दोस्तों, हम कोई भी बात यूं ही कह रहे हैं। आपके ग्रहों की दशा देखने के बाद, कुंडली का आकलन करने के बाद, ग्रह गोचर के अनुसार इस ज्योतिष कार्यक्रम का निर्माण हो रहा है। तो ज्योतिष कार्यक्रम को आखिरी तक देखना, तभी पूरी बात आपको समझ आएगा। तो चलिए इस ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू करते हैं, क्योंकि प्यारे दोस्तों आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम कोई साधारण ज्योतिष कार्यक्रम नहीं है। आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रहा है, जो भी दुख तकलीफ चल रहा है, उन सभी समस्याओं का समाधान इस ज्योतिष कार्यक्रम में बताया गया है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई जादू टोना किया है, जिसके वजह से आप अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन आपको मेहनत के अनुसार फल की प्राप्ति नहीं होता है, तो प्यारे दोस्तों अब आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्यारे दोस्तों इस ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार से देने वाले हैं कि आप अपने दुश्मन को कैसे मार दे पाएंगे और कौन सा उपाय करके आप अपने जीवन की सारी परेशानी को समाप्त कर सकते हैं। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से देंगे। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि आपके ऊपर 5 जादू टोना किया गया है, जो कि प्यारे दोस्तों पहले जो जादू टोना किया गया है आज से 3 साल पहले आपके ऊपर किया गया था, जिसका असर आज भी आपके ऊपर पड़ रहा है और इसीलिए आप अपना जीवन में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा जादू टोना आज से 2 साल पहले एक अघोरी बाबा से करवाया गया था, और तीसरा जादू टोना आज से 4 दिन पहले आपका नाम का क्या गया है, जिसमें प्यारे दोस्तों एक बुरी आत्मा शामिल है और यह बुरी आत्मा आपको बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। इस बुरी आत्मा से आपको सावधान रहना होगा। और चौथा जादू टोना नींबू और मिर्च काट करके क्या गया है, जिससे आपका जीवन पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, और पांचवा जादू टोना करने का प्लानिंग कर रहे हैं। जी हां प्यारे दोस्तों, 5वां जादू टोना आपके ऊपर बहुत ही जल्द करने वाले हैं, लेकिन दोस्त इसे आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि प्यारे दोस्तों इस ज्योतिष कार्यक्रम में एक ऐसा उपाय आपको बताएंगे, जिस उपाय को करके आप इस जादू टोना से छुटकारा पा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, उपाय के बारे में और आपका दुश्मन का नाम आगे इसी ज्योतिष कार्यक्रम में हम लोग बात करेंगे, इसलिए ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखना, फिलहाल हम लोग जान लेते हैं। आपका दैनिक राशिफल के बारे में प्यारे दोस्तों, ये जो समय है आपके लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा। इस समय आपको ससुराल पक्ष की तरफ से कोई बड़ा उपहार मिल सकता है, जिससे आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगा। प्यारे दोस्तों, यह एक देवी पिछले कई सालों से आपका रक्षा कर रही है, पिछले कई सालों से आपका घर परिवार का रक्षा कर रही है, लेकिन प्यारे दोस्तों आपकी एक छोटी सी गलती के कारण यदि आपसे नाराज हो सकती है, इसीलिए प्यारे दोस्तों समय रहते सावधान हो जाइए और यह एक गलत ही भूल कर भी मत करना, वरना प्यारे दोस्तों आपका पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए प्यारे दोस्तों यह एक गलती भूल से भी मत करना। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इस ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से सभी जानकारियां विस्तार से आपको बताने वाले हैं, जैसे कि प्यारे दोस्तों आपको कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी गलती करने से आपको बचाना है और कौन कौन सा विशेष कार्य आपको करना है, इन सभी के बारे में ग्रह गोचर के आधार पर संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, सांप से हर कोई डरता है। जी हां प्यारे दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति को सांप दिखाई देता है तो वह व्यक्ति डर जाता है, और अक्सर ऐसा होता है कि घर के आसपास सांप दिख जाता है, घर के किसी कोने में दिख जाता है, तो आखिर ऐसा क्यों होता है? घर में सांप दिखाई देना इसका क्या संकेत है? किस वजह से घर में सांप दिखाई देता है? प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगर इस बारे में आप अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, आपका जीवन धन्य धन्य से भरपूर हो जाएगा, इस बात की मैं आपको फुल गारंटी देता हूं। इसलिए प्यारे दोस्तों, ज्योतिष कार्यक्रम को बिना स्केप किए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आप पिछले कई सालों से बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं,
बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। कई बार तो आपको मौत का भी सामना करना पड़ा है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कई बार आप मरते मरते बचे हैं और यह सब इस देवी की आशीर्वाद से मुमकिन हो पाया है। आप इस देवी की कृपा से सही सलामत है। इस देवी की कृपा से कई बार यमराज आपके घर आकर वापस लौट गए हैं, क्योंकि प्यारे दोस्तों यह देवी रक्षा कवच की तरह आपका रक्षा कर रही है। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इस देवी की कृपा से आप बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करते आ रहे हैं। इस देवी की कृपा से आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। इस देवी की कृपा से आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पा रहा है। लेकिन प्यारे दोस्तों, अगर यह देवी आपसे नाराज हो गई तो आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। आपका जीवन नरक के समान हो जाएगा। इसलिए प्यारे दोस्तों, यह एक गलत ही भूल से भी मत करना, वरना प्यारे दोस्तों जिंदगी भर रोते रहोगे, जिंदगी भर पछताते रहोगे। इसलिए प्यारे दोस्तों, इस देवी को नाराज मत करना। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, ये जो देवी है आपके घर के ही एक कमरे में रह रही है। लेकिन प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगर आप एक छोटी सी भी गलती करते हैं तो यह देवी आपसे नाराज हो जाएगी। उसके बाद आपके जीवन में एक के बाद एक बड़ी घटना होने लगेगा, एक के बाद एक बड़ी समस्याएं होने लगेगा। तरह तरह का आपके जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। बड़ी बड़ी मुसीबत आपके जीवन में आने लगेगा, जिससे प्यारे दोस्तों आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। इसलिए प्यारे दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु यह एक गलती मत करना और इस देवी को नाराज मत करना। फिर देखना प्यारे दोस्तों, आपका जिंदगी सूरज की तरह चमकने लगेगा। आपका जीवन जैसा सुंदर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आखिर यह देवी कौन है? यह देवी आपसे क्या चाहती है? आखिर क्यों यह देवी आपकी जान की रक्षा कर रही है? क्यों यह देवी आपके घर परिवार की रक्षा कर रही है? इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह देवी अब आपका जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करेगी। यह देवी अब आपका जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करेगी, क्योंकि प्यारे दोस्तों मंगल ग्रह का परिवर्तन हो चुका है और आपका कुंडली में शनि का सहयोग बन चुका है। इसलिए प्यारे दोस्तों, अब आपका जीवन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इस समय अवधि में आपको धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी मिलने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ भगवान शनिदेव महाराज के आशीर्वाद से आपका जीवन में बहुत बड़ा बड़ा बदलाव होने वाला है। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अब आपके जीवन काल में कुछ ऐसा घटना घटित होने वाला है जो आपको बहुत ज्यादा रुलाएगा। जी हां प्यारे दोस्तों, कुछ ऐसा घटना अब आपके जीवन में होने वाला है जिससे आपको खून के आंसू रोना पड़ेगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में कुछ ऐसा शुभ घटना भी होने वाला है जिससे आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा आनंद मिलेगा। यूं कहें तो यह समय आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय आपको ना ही ज्यादा लाभ होगा और ना ही आपको ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, आने वाले समय में आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। प्यारे दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर यह एक छोटी सी चीज मंदिर में दान कर देना। प्यारे दोस्तों, फिर देखना, आपका जिंदगी में जो बड़ा चमत्कार होगा उसे देखकर आप खुशी से गदगद हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, ऐसा चमत्कार होगा कि आप कभी सपने में भी नहीं सोचा होंगे। प्यारे दोस्तों, यह चमत्कार आपका जिंदगी बदल कर रख देगा। जी हां प्यारे दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ऐसा ही बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। बस आपको यह एक छोटी सी चीज मंदिर में दान कर देना है, क्योंकि प्यारे दोस्तों आपका कुंडली में महासंयोग का निर्माण हो चुका है। इसलिए प्यारे दोस्तों, अगले 24 घंटे का समय आपके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ और पवित्र समय साबित होने वाला है। प्यारे दोस्तों, इतना सर्वश्रेष्ठ और महत्वपूर्ण समय हर एक व्यक्ति को नहीं मिलता है। आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत किस्मत वाले हैं जो आपके लिए इतना अच्छा और पवित्र समय का निर्माण हो चुका है। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे का समय इतना शक्तिशाली समय रहेगा कि आपका जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगा। जी हां प्यारे दोस्तों, आपका कुंडली में ऐसा बड़ा बदलाव हो चुका
और मंगल ग्रह ने ऐसी चाल चली है कि आपके जीवन का सारा दुख दर्द समाप्त हो जाएगा। आपका जीवन का सर परेशानी खत्म हो जाएगा। आपका जीवन में एक भी दुख तकलीफ देखने को नहीं मिलेगा। आपकी जीवन की हर एक परेशानी का अंत हो जाएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, जिस चीज के लिए पिछले कई सालों से आप तड़प रहे थे, वह सारी चीजें अब आपका कदमों में होगा। अब आपको धन दौलत से जुड़ी कोई भी परेशानी नहीं होगा। धन दौलत से जुड़ी कोई भी समस्या आपको अब नहीं होने वाला है। पूरी दुनिया अब आपकी तरक्की देखकर ताली बजाएंगे। ऐसी तरक्की अब आप करने वाले हैं, ऐसी बड़ी कामयाबी अब आप हासिल करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, अब आप करोड़पति बन जाओगे, इस बात की गारंटी है। प्यारे दोस्तों, अगर आप कल से परेशान हैं, या फिर कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई परेशानी चल रहा है, या फिर घर में किसी बात को लेकर वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है, तो उन सभी से अब आपको छुटकारा मिलेगा। अगर काफी दिनों से नौकरी हासिल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपका नौकरी नहीं लग पा रहा है, तो यह भी समस्या आपकी दूर होगी। संतान का सुख जिस व्यक्ति को नहीं मिल रहा है, उसे संतान का सुख प्राप्त होगा। यूं कहें तो देखते ही देखते आपकी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आपके जीवन में एक भी परेशानी देखने को नहीं मिलेगा। आपका जीवन का सारा दुख दर्द समाप्त हो जाएगा। आपका जीवन का हर एक परेशानी जड़ से खत्म हो जाएगा और देखते ही देखते आप अपने मोहल्ले का सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। आप अपने मोहल्ले का सबसे धनवान व्यक्ति बन जाओगे। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अब आपको दूसरों के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। देखते ही देखते आपके जीवन की सारी समस्याएं गायब हो जाएंगी और सबसे खास बात, देवों का देव महादेव जी आपके ऊपर प्रसन्न हो। इसलिए प्यारे दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुलने वाला है तथा भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से दुनिया की सारी खुशियां आपको मिलने वाला है। बस आपको यह एक छोटी सी चीज किसी भी मंदिर में जाकर दान करके आ जाना, फिर देखना प्यारे दोस्तों, आपका जीवन में जो बड़ा चमत्कार होगा, उसे देखकर आपका घर परिवार खुशी से झूम उठेगा। प्यारे दोस्तों, आपका जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आपके जीवन में होगा। प्यारे दोस्तों, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, मेरा बात मजाक समझने की गलती मत करना, बहुत महंगा पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगर आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेंगे, तो आपकी जीवन की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी, आपकी जीवन की सारी तकलीफ खत्म हो जाएगा। क्योंकि प्यारे दोस्तों, आज इस ज्योतिष कार्यक्रम में जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आज जो महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहे हैं, ये बातें प्राचीन काल से चली आ रही हैं, लेकिन ये बातें हर एक इंसान को पता नहीं है। यह बातें जी भी इंसान को पता है, वह इंसान आज महल में राज कर रहे हैं, वह इंसान बिल्कुल भी गरीब नहीं है, वह इंसान धन से मालामाल है। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आज जो जानकारी आपको बताने जा रहे हैं, प्राचीन काल के हमारे आर्ष मुनियों के द्वारा खोजी गई विद्या है। यह विद्या जो भी व्यक्ति प्राप्त कर लेगा, उसका जीवन का सारा दुख दर्द समाप्त हो जाएगा, उसका जीवन का सारा परेशानी खत्म हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा आखिरी तक देखना। प्यारे दोस्तों, यह ज्योतिष कार्यक्रम आपका जिंदगी बदल कर रख देगा। यह ज्योतिष कार्यक्रम आपकी जीवन की सारी कष्ट समाप्त कर देगी, और जो व्यक्ति इस ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू से लेकर आखिरी तक नहीं देखेगा, वह जिंदगी भर खून के आंसू रोएंगे। ये बात आप लिख करके रख लो। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ज्योतिष कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक नहीं किए हैं, तो इस ज्योतिष कार्यक्रम को एक लाइक जरूर कर दें। और जो भी व्यक्ति इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इस चैनल के माध्यम से रोजाना ज्ञानवर्धक जानकारी सुनने को मिलेगा। प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत बधाई हो, आपका खुल गई, किस्मत का द्वार मिल गया, किस्मत का चाबी। बस यह एक काम कर लो, आपकी जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा।
प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपकी जाति के राशि वालों के लिए यह एक चीज का बहुत महत्व है। अगर आप यह एक चीज मंदिर में जाकर दान करके आ जाते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों, यह एक चीज मंदिर में दान करने से आपका जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगा, आपका जीवन में सकारात्मक बदलाव आ जाएगा तथा आपको चारों तरफ से खुशखबरी ही खुशखबरी मिलने लगेगा, आपको चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां मिले। जी हां प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इतनी खुशियां आपको मिलेगी कि आप कभी सपने में भी नहीं सोचा होंगे। जी हां प्यारे दोस्तों, इतनी सारी खुशियां आपको बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से मिलेगा। प्यारे दोस्तों, आखिर वह कौन सी चीज है जिसे मंदिर में दान करने के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है, आई उसके बारे में हम लोग जानते हैं। प्यारे दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपको हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर दान करके आ जाना है। जी हां प्यारे दोस्त, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगर अगले 24 घंटे के अंदर हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर जाकर दान करते हैं तो आपकी जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आपकी जीवन की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्यारे दोस्तों, प्रभु श्री राम का भक्ति हनुमान जी खुद चलकर आप घर आने वाले हैं और आपकी जीवन की सारी समस्याओं का अंत करने वाले हैं। इसीलिए प्यारे दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर जाकर अवश्य दान करें, आपकी जिंदगी स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाएगा, इस बात की मैं आपकी गारंटी देता हूं। प्यारे दोस्तों, यह एक शक्ति आपके घर में प्रवेश कर चुका है और आपके आसपास चक्कर लगा रही है। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुख रहे हैं। मुझे पता है आप अपने जीवन में बहुत कष्ट और परेशानी झेले हैं, लेकिन प्यारे दोस्तों, अब आपका दुनिया बदलने वाला है, अब आपका जीवन में परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि प्यारे दोस्तों, आपके घर में एक बड़ी शक्ति प्रवेश कर चुकी है और आपका किस्मत सूरज की तरह चमकने वाला है। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, जिन लोगों का बुरा नजर आपके एवं आपके घर परिवार के ऊपर पड़ा है, जिन लोगों ने आपको बर्बाद करने के लिए साजिश रच था, जिन लोगों ने आपको जान से मारने की प्लानिंग किया था, अब उनका उल्टी गिनती शुरू होने वाला है, अब उनका खुशियों का अंत होने वाला है। प्यारे दोस्तों, अब उनकी खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी, उनका खुशी पल भर में खत्म हो जाएगा, एक झटके में वह व्यक्ति रोड पर आ जाएगा और आपको बहुत बड़ा और भयंकर खुशखबरी मिलेगा। बस आपको इस ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, मैं अपना दिव्य दृष्टि से देख पा रहा हूं कि आप एक सीधे साधे इंसान हैं, आप बहुत सच्चे इंसान हैं, इसीलिए प्यारे दोस्तों, आपके ऊपर यह एक शक्ति मेहरबान हो चुकी है और आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह शक्ति आपको मालामाल कर देंगे और जो व्यक्ति आपके लिए हमेशा बुरा सोच रखता है, जो व्यक्ति आपको बर्बाद करना चाहता है, उस व्यक्ति को यह शक्ति बर्बाद करके रख देगी, इस बात की फुल गारंटी है, क्योंकि प्यारे दोस्तों, यह जो शक्ति आपके घर में प्रवेश कर चुकी है, यह शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है, यह शक्ति आपका जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख देगी। प्यारे दोस्तों, इस शक्ति के बारे में जब आप पूरा सच्चाई सुनेंगे तो आपका शरीर थर थर कांपने लगेगा। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह देवी कोई और नहीं है, दुश्मनों को नाश करने वाली माता भद्रकाली है, माता भद्रकाली। और भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से अगले दो दिनों में आप सभी के जीवन काल में बहुत बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, प्यारे दोस्तों, भगवान शनिदेव और माता काली के आशीर्वाद से अगले दो दिन आपके जीवन में अपार खुशियां और सकारात्मकता लेकर आएंगे। शनिदेव की कृपा से आपके सभी कार्य बिना किसी बाधा के पूरे होंगे और माता काली की असीम शक्ति आपके मनोबल को ऊंचा उठाएगी। आपके पारिवारिक जीवन में भी शांति और प्रेम का माहौल बनेगा। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे समय का आनंद लेंगे और सभी के बीच की समझदारी और प्यार और बढ़ेगा। यदि कोई पुरानी मतभेद थे तो वे भी सुलझ जाएंगे और आपसी संबंध और मजबूत होंगे। व्यवसाय और करियर में आप ऊंचाइयों को छुएंगे। शनिदेव की अनुकंपा से आपको अपने कार्य क्षेत्र में प्रमोशन और मान सम्मान मिलेगा। माता काली की कृपा से आपके सभी निर्णय सही साबित होंगे और आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। जो लोग नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी समय शुभ है।
सफलता आपके कदम चूमेगी। स्वास्थ्य के मामले में आप पहले से अधिक ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे। शनि देव की विशेष कृपा से आप अपने खान पान और दिनचर्या में सुधार करेंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य और अच्छा होगा। माता काली की शक्ति से आपके मानसिक तनाव भी कम होंगे और आप मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। प्यारे दोस्तों, यह समय आत्मविश्लेषण और आध्यात्मिकता की ओर भी अग्रसर होने का है। शनि देव और माता काली की आराधना से आपको आंतरिक शांति और संतुष्टि प्राप्त होगी। ध्यान, योग और प्राणायाम आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे। जीवन में सफलता और शांति पाने के लिए शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाएं। 1. शनि देव का व्रत और उपवास रखें। 2. शनि मंदिर में जाकर शनि देव की पूजा करें और काले तिल का दान करें। 3. शनि मंत्र AUM शम शनैश्चराय नमः का नियमित जाप करें। माता काली की कृपा प्राप्त करने के लिए 1. माता काली के मंदिर में जाकर पूजन करें। 2. काली मंत्र AUM क्रीम कालिकाय नमः का जाप करें। 3. हर शनिवार को काले वस्त्र धारण करें और काली माता का ध्यान करें। प्यारे दोस्तों, यह सब उपाय अपनाकर आप अपने जीवन में अपार सकारात्मकता और खुशियां ला सकते हैं। भगवान शनिदेव और माता काली की कृपा से आपके सभी कार्य सफल होंगे और आपके जीवन में शांति और समृद्धि का वास होगा। अंत में यही कहना चाहूंगा कि शनिदेव और माता काली का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे और आपका जीवन सुखमय और समृद्ध से परिपूर्ण हो। शनिदेव की विशेष कृपा और माता काली की अपार शक्ति आपके जीवन को नई दिशा दें और आप सभी कठिनाइयों को पार करते हुए सफलता के शिखर पर पहुंचें। धन्यवाद प्यारे दोस्तों, शनिदेव और माता काली की कृपा आप पर बनी रहे।